करने लगे थे डिपोर्ट। अब डिपोर्ट कर क्यों करने लगे थे मुझे नैदरलैंड से, उसकी कार रिफ्यूज़ हो गया, वो एम्बेसी का एक महीने का टाइम था और मुझे चार दिन के अंदर उन्होंने आंसर कर दिया। ये कैसे हो सकता है? अभी 100% वीज़ा लग जाएगा विदाउट एजेंट, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। अमीर तो सब खैरियत होंगे, मैं भी मज़े में हूँ जी। आपको दिखाते हैं आज आपके भाई का जो है ना फर्स्ट डे, यानी कि फिर से 3-4 महीने के बाद जिम जा रहा हूँ आज, और साथ में सोचा कि आपको एक बात जो आप बहुत से भाई जो हैं वो मुझे कमेंट भी करते हैं, प्राइवेट मैसेज भी करते हैं कि हमें बताएं कि आप भाई पुर्तगाल कैसे पहुँचे थे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मैं पुर्तगाल कैसे पहुँचा था, किस कंट्री से वीज़ा अप्लाई किया था, पाकिस्तान से डायरेक्ट आया था, यूएई से आया था, वो सब डिस्कस करेंगे। तो जो भाई नए हैं भाई, करना एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दे करें, आपको कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। अच्छा भाई, सीन ऐसा कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान से एक यंग एज के अंदर वीज़ा लेना एक बहुत बड़ा टास्क है, यानी कह लें कि बहुत बड़ा टारगेट है कि यंग एज में आपको वीज़ा मिल जाए, स्टडी वीज़ा के अलावा। टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ, स्टडी वीज़ा तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आप स्टडी वीज़ा आप ले सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा इम्पॉसिबल है यंग बंदे के लिए। तो मैं यूएई से जब मूव करके पाकिस्तान चला गया था तो मैंने वहाँ पे अपना जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश किया था, तो मैंने उस बिज़नेस को तकरीबन 3 साल मैंने चलाया था। 3 साल चलाने के बाद मैंने जो है वीज़ा अप्लाई किया था यूरोप का। उससे पहले मैं आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता दूं कि खैर यूएई में तो मेरा मैनेजर लेवल के वीज़े लगे हुए थे 2, और वीज़ा उससे पहले जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से पहले मेरे वीज़ा भी थे दुबई के, वो तो खैर दुबई का आपको पता है कि वीज़ा जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो हर बंदा आप जा सकता है। उसके अलावा फिर मैंने 3 दफ़ा जो ट्रैवल किया हुआ था वो टर्की में किया हुआ था। टर्की का वीज़ा स्टैम्प था मेरे पासपोर्ट के ऊपर, पुराने पासपोर्ट, नए पासपोर्ट जब मैंने फ्रेश पासपोर्ट जब बनवाया था उसके ऊपर सिर्फ टर्की का एक वीज़ा था और एक यूएई का वीज़ा था बस। लेकिन जब मैंने फाइल रेडी की थी तो मैंने जो पुराने पासपोर्ट की जितनी भी हिस्ट्री है वो फोटो कापी साथ में अटैच लाजमी की थी ताकि उनको पता चले कि भाई बंदा ट्रैवल कर चुका है, अगर वो पासपोर्ट से ट्रैवल हिस्ट्री ना चेक करें तो उनके पास फोटो कापीज मेरी होनी चाहिए। तो वो मैंने एक प्रोफेशनल लॉयर से जो ना सर्विसेज ली थी कि मेरी फ़ाइल को प्रिपेयर करो, क्योंकि फ़ाइल मुझे पता था क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन फिर भी यार एक होता है ना, एक प्रोफेशनल होता है जिसका काम ही यही है, तो उसको पता होता है कि मैं डेली के 100 केस अप्लाई कर रहा हूँ, 100 बंदों की फाइलें रेडी कर रहा हूँ, तो किस नौीयत की फ़ाइल होगी तो वीज़ा लगने के चांसेस है, कोई गलती है, कोई डॉक्यूमेंट है। तो वो मैंने सर्विसेज ली थी वो लॉयर से। अच्छा बात यह कि मैंने पाकिस्तान से जो वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने किया था फिनलैंड का वीज़ा। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं थी, तो फिनलैंड की एम्बेसी को डील करती है एम्स्टरडम, सॉरी नैदरलैंड की एम्बेसी, तो उनका कोई ज्वाइंट कोलैबोरेशन है नैदरलैंड एम्बेसी की और फिनलैंड एम्बेसी की। तो वीज़ा जो मुझे स्टिकर पे मेरा स्टिकर लगा था पासपोर्ट के ऊपर वो नैदरलैंड वालों ने इशू किया था। ये वीज़ा मुझे तकरीबन विद इन 4 डेज मुझे मिल गया था, जिस दिन मैंने सबमिशन करवाई थी उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 5 डेज़ के बाद मुझे अम्बेसी से यानी कि VFS से मुझे कॉल आ गई थी, अपना पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आ जाए, आपका पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट की जब कॉल रिसीव हुई तो सबसे पहला मेरा यही जहन में था, मैं मायूस हो गया था कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो अम्बेसी का एक महीने का टाइम था और मुझे 4 दिन के अंदर उन्होंने आंसर कर दिया, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि वीज़ा लगा हो। तो मेरे जहन में यही था कि मैं 100% श्योर यही था कि भाई मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उन्होंने कहा आजा पुत्र पासपोर्ट चुक के भज जा वापस कर। खैर बड़ी मायूसी के साथ मैं निकल गया था। फ्राइडे को मुझे कॉल आई है, फ्राइडे को तो खैर मैं पहुँच नहीं पाया टाइम से, लेकिन सैटरडे को मैं निकल गया, संडे वहाँ पर इस्लामाबाद में स्टे किया और मंडे को पासपोर्ट लेने चले गए। जब पासपोर्ट रिसीव किया अंदर जाके टाइम आया, काउंटर पर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने मेरा इनवेलप खोला उन्होंने कहा जी कंग्रेचुलेशन, तो मेरे सांस में सांस आई और मैं 7 स्काई में उड़ना शुरू कर दिया। मैं लाया भाई जट्टा कर लिया, तैयारी कर लिया, पैक बैग तो चल यूरोप। अच्छा भाई खैर वो तो एक वीज़ा लग गया मेरा। वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, एक एक डॉक्यूमेंट दिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वॉच कर लीजिएगा जाके। मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान से वीज़ा के लिए ज़रूरी है, और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स आप खुद पूरे कर लेना तो आपका भी 100% वीज़ा लग जाएगा विदाउट एजेंट, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने खुद बनाए थे, वो सिर्फ फाइल के रिव्यू के लिए मैंने लॉयर की हेल्प ली थी प्रोफेशनल से कि भाई आप इसको रिव्यू करो और मुझे अपॉइंटमेंट्स वगैरह, आपको पता है अपॉइंटमेंट्स तो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं मिलती हम बेसिस की, वो इंश्योरेंस और ये चीज़ें आपको एजेंट से ही करवानी पड़ती हैं। ये लोग आके जो वीडियोज़ के अंदर आके बोल रहे होते हैं ना विदाउट एजेंट ऐसा करें वैसा करें, भाई आपको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है, वो ये खुद एजेंटों को तरले डाल डाल के यहाँ पहुँचे होते हैं और यहाँ पे आके फिर लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, और बहुत से लोग रिफ्यूज़ल लेके बैठे हुए हैं इन्हीं के चक्करों के अंदर। आपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए,
डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका है इतना कि आपको 100% श्योर है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, तो आप खुद अप्लाई करें। मुझे भी था, मुझे भी श्योर था कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रोफेशनल की हेल्प ले ली कि भाई आपके पास से फाइलें गुजरती हैं, मेरी फाइल को चेक तो करो, इसमें ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने परसेंट चांस है। तो मुझे उस टाइम जो कंसल्टेंट था उसने मुझे उसी टाइम बता दिया कि आपके 90% चांस है आपके वीज़ा लगने के, ठीक है 10% चांस है, कोई एम्बेसडर के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस टाइम सेटिस्फाइड हो गया यार बंदे, मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना परफेक्ट की है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको पाकिस्तान से चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, उसको लाजमी वॉच कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक मैं नई वीडियो फिर उसके ऊपर बना के डिलीवर कर दूँगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आजकल चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि लॉस चेंज होंगे या वो पुरानी बात कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा एक वीडियो बना दूँगा। उसके बाद मैं जब फ्लाई करके पहुँचा नैदरलैंड, वीज़ा मैंने फिनलैंड का अप्लाई किया था और एंट्री मैंने की नैदरलैंड में। नैदरलैंड में एंट्री करने में भाई मुझे वो करने लगे थे डिपोर्ट। अब डिपोर्ट कर क्यों करने लगे थे मुझे नैदरलैंड से, उसकी एक अलग स्टोरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको बता दूंगा कि मुझे वहाँ से डिपोर्ट क्यों करने लगे थे। उसका एक रीज़न था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैंने पुर्तगाल आना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकली होती हैं जो आप ओवर स्मार्ट जब बन जाते हैं ना तो आप फिर मार खाते हैं। तो उस टाइम पर मैं भी ओवर स्मार्ट बना था और मुझे डिपोर्ट करने लगे थे, और मुझे 2-3 घंटा दो एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने बिठा लिया, घंटा मुझे एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, 2 घंटे मेरे उन्होंने ज़ाया कर दिए थे। तो वो मैं आपको स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगा, अभी की नहीं जा सकती, टाइम बहुत हो जाएगा। तो भाई मैं आया था फिनलैंड के वीज़ा के ऊपर, मैंने फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, 4 दिन के अंदर लग गया था वीज़ा, और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा सारे, आप भी वो डॉक्यूमेंट्स करके वीज़ा अप्लाई कर सकते। उस टाइम फिनलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी, अभी भी फिनलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी है पाकिस्तान में। लोग ये समझते हैं, कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आज सिर्फ व्यूज़ के लिए कहते हैं जी वो ऐसी कंट्री को चूज़ करें जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं, उसको नैदरलैंड डील कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे वीज़ा मिल गया। ऐसी एम्बेसीज़ में लोग कम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे रश कम होता है, और वीज़ा लगने के अगर आपकी जो प्रोफाइल अच्छी प्रोफेशनल बंदे ने बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे, तो 100% वीज़ा आपका लग जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे डिपोर्ट क्या क्यों करने लगे थे, उसकी स्टोरी क्या है। अभी मेरा आ गया जिम, ये राज मेरा जिम फिटनेस हट, और आपका भाई यहाँ पे जिम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिपोर्ट वाली स्टोरी लेके जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नमाज़ पढ़ें, अपने भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान करे जी। अल्लाह हाफिज़।